श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन प्रसंग क्रम से चौथा अध्याय चौथा स्कंद 25वां अध्याय 54 नंबर श्लोक पाठ करके आज हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है क्योंकि वैराग्य की शिक्षा यहाँ दी जाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अध्ययन करना एकमात्र उद्देश्य है प्रेम प्राप्ति। किंतु प्रेम प्राप्ति होगा कैसे, इसके बीच में जो वैराग्य है यहाँ वैराग्य की शिक्षा दी जा रही है। क्योंकि हम लोग सब संसार में आसक्त हैं, संसार के राग में है, और हमको पहुँचना है कहाँ, अनुराग में, प्रेम तक पहुँचना है। तो इसका बीच की जो रास्ता है, बीच की जो मार्ग है, इसका नाम वैराग्य। तो यहाँ वैराग्य की शिक्षा दी जा रही है। अगर भागवत श्रवण करके अगर वैराग्य नहीं आए तो भागवत श्रवण करना ठीक से, भागवत श्रवण नहीं किया, इसका अर्थ ही है। तो इसलिए बहुत सावधान होकर सुने। अंधा बमेशम पौराणम निर्वाक पेशस्कृतो उभो अक्षनवताम अधिपते ताभ्यम जाते करोते च। अंधा बमेशम पौराणम निर्वाक्पे संस्कृतो उभो अक्षनवताम अधिपते ताभ्यम जाते करोति च। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। अंधो अंधा, अमीषाम उनमें से, पौराणाम निवासियों से, निर्वाक निर्वाक नामक, पेशस्कृतो पेशस्कृत नाम का, उभो दोनों अक्षनवताम आँख वाले व्यक्तियों को, अधिपति शासक ताभ्यम उन दोनों के साथ, जाति जाया करता था, करोति कार्य करता था, च तथा तो इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक दो व्यक्ति थे। निर्वाक और पेशस्कृत नामक दो व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आँख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वो इन दोनों अंधों के साथ रहता था। राजा पुरंजन आँख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वो इन दोनों अंधे के साथ रहता था। वो उनके साथ जहाँ तहाँ जाता था और नानाविध कार्य किया करता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर जीव के हाथों तथा पाँव की ओर संकेत है। यहाँ पर जीव के हाथों तथा पाँव की ओर संकेत है। दोनों पाँव बोलते नहीं और अंधे होते हैं। यदि कोई चलने के लिए अपने पाँव पर ही आश्रित रहे तो ये उसे किसी गड्ढे में गिरा सकते हैं या किसी से टक्कर करा सकते हैं। इस प्रकार अंधे पाँव द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। काम करने वाली इंद्रियों में हाथ तथा पाँव अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इनके आँखें नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि हाथों तथा पाँव में छिद्र नहीं होते। सिर में तो कोई छिद्र होते हैं, यथा दो आँखें, दो नथने, दो कान तथा एक मुख, किंतु अधोभाग में भुजाओं और टांगों में कोई छिद्र नहीं होते। फलतः हाथों तथा पाँव को अंध कहा गया है। यद्यपि जीव के शरीर में अनेक छिद्र होते हैं, तो भी उसे हाथों तथा पाँव से ही कार्य करना होता है। यद्यपि जीव अन्य अनेक इंद्रियों का स्वामी है, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है या कुछ कार्य करना होता है
अथवा किसी को छूना होता है तो उसे अपने अंधे हाथों तथा पाँव को ही प्रयोग में लाना होता है। यही पे श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभस्य कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। संकर्षण कारणतसै गर्भदोष च पयोधीसै शेषश्च जस्यांश कला सनितनन्दखरं स्ममस्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्तं दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम लोग राजा पुरंजनों के गुणों का वर्णन क्रम से सुनते हुए आ रहे हैं। अंधा वमेशम पौराणाम निर्वाक प्रशस्कृतो उभो अक्षणवताम अधिपति ताभ्याम जाति करोति च। यहाँ पर भौतिक भोगों का वर्णन चल रहे हैं। राजा पुरंजन उपाख्यान नारद मुनि राजा प्राचीन वहीर को सुना रहे हैं। जब राजा प्राचीन वही कर्म में आसक्त हो गए थे तो एक दिन नारद मुनि मार्ग में मिले तो पूछने लगे, ये जो कर्म आप कर रहे हैं इस कर्म से अत्यंत कल्याण नहीं हो सकते, निश्रेयस को आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुजन जो है वो सटीक मार्ग शिष्य को माने बता देते हैं। तो राजा प्राचीन वही कहने लगे कि आप मुझे ज्ञान उपदेश प्रदान करें, क्योंकि उस समय नारद मुनि कहा था जो आप कर्म कर रहे हैं इसमें बहुत इस यज्ञ में बहुत पशुओं का हत्या हो रही है, तो ये सब पशु सब इंतजार आपके बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जब आप शरीर छोड़ोगे तो आपका सब बदला लेंगे। तो उस समय राजा प्राचीन वरही कहने लगे, हे राजन हे भगवान आप मुझे उपदेश प्रदान करें। तो नारद मुनि प्राचीन वरही के कल्याण के लिए
आत्यंत कल्याण के लिए एक रूपक कथा सुना रहे। रूपक कथा क्या है? पुरंजन, पुरम जनयति पुरंजन, जो शरीर का निर्माण करते हैं। तो पुरंजन और पुरंजने दोनों हैं, एक स्त्री एक पुरुष, एक जीवात्मा और पुरंजनी जो है बुद्धि है। तो बुद्धि के वशवर्ती जड़ बुद्धि है, बुद्धि के वशवर्ती होते हुए होकर विभिन्न भोगों में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्रीमद् भागवतम इस उपाख्यान सुनने में ऐसे लगता है कि किसी एक जागतिक भोग का वर्णन हो रहा है, यहाँ किस प्रकार से भोग भोगा जाते इसका वर्णन चल रहा है। किंतु नारद मुनि का लक्ष्य है वैराग्य का, वैराग्य में ले जाना है इसको, भोग से, भोग में है कि जिस किसी का फोड़ा हो गया, किसी का शरीर में फोड़ा है तो उसको जब छोटा रहते तो उस समय दवाई से उसको दबा देते, चलो इसको दबा दो, हाँ वो फोड़ा दब जाते हैं। और जब फोड़ा लाली में आ जाती है तो उसको फोड़ा कर फिर दवाई से काम नहीं करते, उसको निकाल करके फिर दवाई दिया जाते हैं। इस प्रकार जब विषय भोग का बिल्कुल चरम अवस्था में पहुँच जाते तो उसमें सब प्रकार के सामग्री दिया जाते और देकर विषय भोग भोग लिया, फिर धीरे धीरे से उसको वैराग्य के रास्ता में आप नेक्स्ट जो अध्याय है 26, 27, 28, 29 में पूर्ण वैराग्य की भाषण है वहाँ। क्योंकि यहाँ ठगा जाएगा बुद्धि स्त्री के द्वारा, ये पुरंजन बिल्कुल ठग जाएगा तो बिल्कुल वो बेहोश हो जाएगा, मैंने क्या किया जीवन भर। तो जब इस प्रकार ठगा जाते तब मनुष्य का होश आता है कि नहीं मैंने भूल किया। हाँ, एक बुद्धि होते एक विवेकवती बुद्धि होते हैं, ये जो बुद्धि है ये बुद्धि भोग में प्रवृत्त करते हैं, आज जो विवेकवती बुद्धि होती है वो सत्संग से प्राप्त होता है। विवेक से अज्ञान का नाश होता है, विवेक से अज्ञान का नाश होता है। और विवेक होता है कहाँ से? सत्संग से। सत्संग प्राप्त होता है कहाँ से? भगवत कृपा से। भगवत कृपा बिना सत्संग में बैठने में इच्छा नहीं करेगा। सत्संग बिल्कुल लायक है जैसे विष जैसे लगेगा। किसी को सत्संग में रुचि है इसका अर्थ ये है कि भगवान की विशेष कृपा है मेरे पर। जिसका वो सोचे कि अरे ये तो क्या कहेगा, कभी कभी ऐसे वक्ता को देख के लगता है क्या कहेगा, हाँ वक्ता के ऊपर पसंद नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। भगवान नारायण सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। भगवान नारायण किसको दिया पहले ज्ञान? ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी किसको दिया? नारद जी को दिया। श्रीमद् भागवतम द्वादश स्कंध में एक श्लोक वर्णन आता है कि नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय में बैठकर नारद को दिया, और इस नारायण नारद जी के हृदय में बैठकर व्यासदेव को दिया, और इस नारायण व्यासदेव के हृदय में बैठकर श्री सुखदेव को प्रदान किया। कौन सुना रहे? नारायण सुना रहे। ये जस्ट व्यक्ति मात्र, इसका कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू की ठाकुर जी सुना रहे, इसका कहने का उद्देश्य ही है। तो जिस प्रकार कोई भी प्रवचन करे इसका अर्थ भगवान सुना रहे, इस भावना से बैठना चाहिए। उसमें जो शब्द अच्छा लगे वो आप मानना चाहिए कि ये भगवत प्रदत्त ज्ञान है। जो आपके कान में रस्सी ले लगे को हृदय में स्पर्श करे तो उसको भगवत प्रदत्त मान लीजिए। आज जो अपना मान जस प्रतिष्ठा के लिए, अपना अहमता ममता के लिए जो बात होती है वो सब अपना होता है, हाँ वो शब्द ठीक नहीं। जो कुछ शब्द हैं जो भगवत प्रदत्त होता है, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का नित्य प्रति श्रवण कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये वैराग्य की शिक्षा दी जा रही है। क्योंकि जीवन में वैराग्य बहुत जरूरी है, वैराग्य के बिना प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती है, सीधा प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार घड़ा घड़ा बनती है मिट्टी से, कैसे मिट्टी से घड़ा बनती है, तो घड़ा से आप डायरेक्ट पानी नहीं रख सकते। घड़ा क्या करते, पहले उसको बनाते हैं, मिट्टी का अलग करते, फिर उसको जो कौन है जो पत्थर कंकड़ है उसको अलग करते, फिर अलग से गोला बनाते, फिर मशीन से उसको तैयारी करते, जस्ट एक
पिंड बनाते, मतलब घड़ा बनाते, कांचा घड़ा, फिर उसको रो धूप से उसको सुखाए जाते, फिर उसको आग से तपाए जाते। इस प्रकार से जब पूर्ण रूप से पूर्ण तपाए जाते, पूर्ण कलश बन जाते, तब उसमें पानी रखने लायक होता है। इस प्रकार से जब वैराग्य के द्वारा तपाए जाते हैं, वैराग्य क्या है, तपाना है, नहीं मुझे ये करना नहीं है, विगत राग, जिससे राग चला गया, हम लोग अभी राग में हैं, संसार के भोगों में, व्यक्ति में, पदार्थ में आसक्ति है, रुपया में, धन में, सब विषय में आसक्ति है, तो ये राग जाएगा एकमात्र प्रभु के नाम से। जैसे भोग दुख जन दुख जोनी है, यही संस्पर्श जब होगा दुख जोन यही बते, ये जो भोग है जागतिक जो भोग है ये दुख की जोनी है, दुख देने वाली है, दुख का घर है, तो भोग से बचना है। तो भोग से बचे कैसे, जहाँ पे जाए वहीं पे भोग के, मतलब भोग के, भोग करने की प्रवृत्ति है कि जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, इसलिए नित्य प्रति सत्संग किया जाए, सत्संग के बाद उसका मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, शुद्ध श्रवण करने से लाभ नहीं हो सकते, लाभ नहीं होगा, इसलिए नहीं, जो शब्द कहा जाता है उसको जीवन में कुछ ना कुछ अंश पालन करना चाहिए, तब जाकर सत्संग पूरा पूरी लाभ मिलता है। श्रीमद् भागवतम जब प्रसंग सुना रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी, किसको, परीक्षित महाराज को, तो उस समय देवता लोग आए, अमृत का कलश लेकर आए, किस लिए कि आप ये अमृत राजा को पिला दीजिए, उसके विनिमय में हम लोग को अमृत पान करा दीजिए, कथामृत पान करा दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव परम विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी, देवता लोग को वहाँ से भगा दिया, नहीं तुम लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। वर्तमान समय क्या होता है ना, मान जस प्रतिष्ठा के लिए कथा होती है, मैंने बड़ा कथाकार, मैंने बड़ा जसस्वी, मैंने इस प्रभाव के लिए, इसके लिए नहीं, प्रभु की प्रीति विधान के लिए कथा करनी है कि प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु के प्रीति विधान के लिए। हे प्रियतम श्याम सुंदर, आपकी महिमा गान करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, आप प्रसन्न हो जाए, आप मेरे जिह्वा में बैठकर आपकी गुणगान आप ही सुनिए, इस भावना से श्रोताओं में ये भावना होनी चाहिए कि नहीं कि प्रभु की गुणगान सुन रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है प्रवचन के बीच से उठकर चल जाते हैं, ये बड़ा अपराध है, पहले से चिंतन करना चाहिए, नहीं अगर बैठना है तो अच्छे से बैठना, नहीं तो दूर से प्रणाम करके चल देना चाहिए, कि बीच में क्यों उठे, इसमें क्या होता है एक अपराध का भागी बनता है वो, ऐसे कभी ना करें। मैं आपको सावधान, भले दो लोग बैठे इसमें कोई संदेह नहीं, प्रवचन कथा सुनते बहुत ऋषि मुनि पेड़ पौधा यहाँ सब माने ऋषि मुनि सुन रहे हैं, इस भावना से अगर कथा के बीच में उठ कर जाना वास्तविक एक अपराध है, मैंने बहुत संतों के मुख से सुना। तो जब भी इच्छा हो कभी पहले से ठीक निर्णय कर ले कि मुझे 9 बजे तक बाद जितना समय कथा चलेगी मुझे सुनना है, तो भले जैसे हो कथा, मतलब हरे मतलब ऐसे सुने, हे प्रभु कि आपकी कथा किसी प्रकार, मतलब भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मुझे ऐसे कुछ बात सुनाएं जो मुझे भक्ति में आगे बढ़ाए, हाँ इस भावना से। तो भोग, यहाँ जो वर्णन चल रहा है भोगों की वर्णन, तो भोगों से मुझे कहाँ जाना है, प्रेम से पहुँचना है, प्रेम तक पहुँचना है, तो यहाँ वैराग्य की शिक्षा दी जा रही है। इस अध्याय में भोगों का वर्णन है, नेक्स्ट जो 3-4 अध्याय है उसमें वैराग्य की शिक्षा आपको मिलेगा। तो श्रीमन देखिए आज का श्लोक का वर्णन है, अंधा वमेशम पौराणाम निर्वाक पेशस्कृतो उभो अक्षणवतम अधिपति ताभ्याम जाति करोति च। इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक दो व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आँख वाले व्यक्तियों का शासक था, किंतु वो इन दोनों अंधे का शासक साथ रहता था, वो उनके साथ जहाँ तहाँ जाता था। यहाँ जो पहले जो हम लोग सुने हैं, जो दो कान, दो आँख, दो नथेन, ये जिह्वा, जो छिद्र का वर्णन सुने हम लोग, ये आँख का वर्णन है, पैरों में हाथों में आँख नहीं है, हाँ अंधा आँख अभावत अंधा, टीकाकरण लेखक कि आँख नहीं है इसलिए इसको अंधा कहा जा रहा है। तो
राजा पुरंजन इस पेड़ों के सहाय मैंने सहाय से सहायता से भोगों की ओर जा रहे हैं। राजा पुरंजन जो जीवात्मा है कहाँ जा रहे हैं? भोगों में प्रवृत्त हो रहे हैं। राजा पुरंजन हाथ और पैरों की सहायता से मैंने इसका अवलंबन करके कहाँ जा रहे हैं? भोगों की ओर जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कोई श्लोक है जहाँ जैसे श्रीधाम वृंदावन में जैसे हमारा पैर को कहाँ ले जाए, जो भक्त है वो परिक्रमा करे, हाथ के द्वारा भगवान की सेवा करे, ये सार्थकता। सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारच्च सत कथोदय। कि ये सब एक एक इंद्रिया की वर्णन कर रहे हैं कि एक एक इंद्रिया प्रभु में लग जाए। कौन कह रहे हैं? अम्बरीश महाराज सुना रहे कि मेरा मन जो है भगवान में लागे। जो वाणी है वैकुंठ गुणानुवर्णन, प्रभु के गुणानुवर्णन में लगे। करो हाथ हरि के मंदिर मार्जन में लगे, हाथ जो है भगवान के मंदिर मार्जन, भगवान के माला बनाना, ये सब ठाकुर जी की सेवा में जाए। और श्रुतिम चकारच सत कथो दे, जो कान है भगवान की कथा श्रवण में लगे। और मुकुंद लिंग लय दर्शन दिशो तद्भित्र गात्र स्पर्शो अंग संगमम। हाँ, दृश्य जो आँख है भगवान के दर्शन में लगे। और तद्भित्र गात्र स्पर्श अंग संगमम। हाँ, तद्भित्र भगवान के भक्तों का भगवान का स्पर्श करने में हाथ को यूज करना चाहिए, स्पर्श को। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राण को कहाँ लगाना चाहिए? नासरंध्र को, न भगवान के चरण में जो अर्पित पुष्प है तुलसी है उसकी घ्राण में लगाना चाहिए। श्रीमद तुलस्या रसनम तदर्पिते। हाँ, जीभा में भगवान के चरण में अर्पित तुलसी को सेवन करना चाहिए। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, इसको मुझे लेना है। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ते नतु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही। इस प्रकार से जो जना श्लोक जनाश्रया भगवान में रोती हो जाएगी। कैसे? ये अगर सभी इंद्रिया को हम भगवान की सेवा में लगाए। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, चरणों को क्या करना है? परिक्रमा करना, भगवान के लिए दर्शन के लिए जाना, इस प्रकार से चरण को भगवत सेवा में लगाना चाहिए। इस भोगों में नहीं। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, जैसे मंगला में आ जाते बहुत दूर दूर से भक्त, हमारे गृहस्थ भक्त, हाँ आंधी है, तूफान है, वर्षा है, आ जाते कि ठाकुर जी की सेवा में जो चरण मिला है, जो दो पाँव मिला है, किस लिए? ठाकुर जी के दर्शन के लिए, भोगों के लिए नहीं। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ते नतु काम काम्या यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रोति ही। इस प्रकार कहते रहे तो हमारे मोती रोती भगवान में लग जाएगा। शिल रूप गोस्वामी एक श्लोक में लिखते हैं कि क्षांतिरव्यर्थ कालत्तम विरक्तिर मानस सिन्नता। जो भाव भक्ति का वर्णन करते हुए हैं, आशा बंध समुत्कंठ नाम गाने सदारुचि, आसक्ति तद गुणाखाने प्रीति तद वसति स्थले। प्रीति तद वसति स्थल मैंने इस जो श्रीधाम वृंदावन व कोई भी धाम में रहकर उसका परिक्रमा, उसमें रहना, उसमें भगवान के लिए दर्शन के लिए जाना, इसमें प्रीति हो जाए। हाँ, प्रीति तद वसति स्थले। जो शांति, शांति किसको कहते हैं? क्षमा गुण। जैसे इसका बहुत बड़ा चर्चा है, शांति रब्बर्थ कालत्तम विरक्तिर मानसिन्नता, ये सब गुण होना चाहिए। शांति, शांति मतलब दूसरे मुझे अपमान किया, शांति का दो अर्थ है, मुझे दूसरे अपमान किया, मैंने कुछ नहीं कहा, इसको शांति कहते हैं। शांति का और एक अर्थ है, मुझे अपमान किया, तिरस्कार किया, गाली दिया, और मैंने क्या किया? उसके लिए भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु इसका आप मंगल विधान करिए, ये है अर्थ। शांति का दो अर्थ, विरक्तिर मानसिन्नता, शांतिर अब एक क्षण भी बिना व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए, निरंतर सदा निरंतर प्रभु का नाम जीभा पे लगा रहे। भले जब हाथ में नहीं हो रही है, जब नहीं कर पा रहे तो जीभा पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जीभा में एस जो है नित्य करती है। जब जीभा में प्रभु का नाम होता है, आज जब बाहरी शब्द करते ना, इसमें जीभा दूषित हो जाती है,
कभी ना करें। समय अगर कुछ कहने का पहले सोचना चाहिए, मुझे कैसे यूज़ करना है, हमेशा चिंतन में रहना, मेरा एक एक इंद्रिया भगवान में लग जाए। अगर इंद्रिय विषय में लग जाए तो विषय आकार बन जाएगा। हमारी इंद्रियां अगर विषय के चिंतन करे, विषय की कार्य करे, तो इंद्रिया क्या हो जाएगी, विषयाकार बन जाएगा। और अगर एक एक इंद्रिया अगर कृष्णा का चिंतन करे तो कृष्णाकार बन जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, कृष्णाकार बनाना है, एक एक इंद्रिया को कृष्ण में ले जाना है। तो श्रीमद् भागवतम के पादौ हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे, जब कुरुक्षेत्र में भगवान आए थे, किस समय, सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्याम सुंदर आए थे। क्या उपलक्ष्य था कि सूर्य ग्रहण में वहाँ नहाना है, बहुत बड़ा शुभ माना जाते हैं, आज भी लोग सूर्य ग्रहण के समय नहाते। तो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा कुरुक्षेत्र में, क्योंकि इस समय जगन्नाथ रथ यात्रा चल रहा है, मतलब उत्सव है, तो इस समय श्रीमन महाप्रभु कुरुक्षेत्र में गोपियों के साथ जो कृष्ण का वार्तालाप, इसको हम लोग श्रवण करेंगे कि गोपियाँ यहाँ से गई थी चलकर किसके लिए, प्रभु का दर्शन करना है, चरणों का सत्कार किया कि मुझे बहुत दुखली पतली थी, चलने में क्षमता नहीं थी, फिर भी किस लालसा से जा रही, प्रभु का दर्शन हो जाएगा। यद्यपि संवाद नहीं मिला, ब्रज को संवाद नहीं भेजा कि प्रभु आ रहे द्वारका से, कुरुक्षेत्र आ रहे, किस लिए, सूर्य ग्रहण में नहाने के लिए, किंतु ब्रज में गोपिया को संवाद मिला, कैसे, किसी दूसरे से मिला कि प्रभु आ रहे नहाने के लिए। तो गोपिया क्योंकि बहुत आतुर थे, क्योंकि बहुत दिन से चले गए प्रभु, हाँ, प्रभु से मिलने के लिए बहुत आतुर थे, हाँ, मिलन की बहुत लालसा थी, कि श्रीमन महाप्रभु सबसे पहले द्वारका, जब जगन्नाथ जी रथ में चढ़े तो द्वारका में जो भाव है, श्री कृष्ण का वंदन किया, फिर वृंदावन की चिंतन करने लगे। देखिए खूब सुंदर भाव है, ये जो महाप्रभु माने बोल रहे हैं, इसका अर्थ कोई समाज किसी को समाझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, किंतु एकमात्र स्वरूप दामोदर इसका अर्थ समझ रहे हैं कि ज कोमर हर सैव ही वर एव चैत्र छपाते चन्मिलित मालति सुरभय प्रौढ़ा कदम्ब नीला। जिन्होंने कौमार जी का हरण किया, मैंने एक जागतिक स्त्री पुरुष का वर्णन कर रहे यहाँ, जो कौमार जी का हरण किया वही मेरा आज वर पति बने, वही आज चैत्र मास की जो मतलब सुंदर रात्रि, हाँ, पूर्णिमा की रात्रि, पूर्णमासी रात्रि, वही सब कुछ है, सब है, किंतु मुझ में आनंद, मेरे मन में आनंद नहीं आ रहा है, सब है, वही मैं हो, वही हमारा पति भी है, वही सुंदर हवा, सुगंधी हवा बह रही है, फिर भी वो मुझे आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। रेवा रोधोसी बेतोसी तुरुतले चेत समुद कंठते, वो रेवा नदी के तीरे जो मैंने प्रथम मिलन हुआ था उसमें जो आनंद मिला था, वो आनंद आज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो श्रीमती राधा रानी के साथ सभी गोपियाँ एक श्लोक पाठ करके सुना रहे हैं। आहुश्चते नलिन नाभ पदार विंदम जोगे सरय हृदि विचिंत मगाद बोधय। हे नलिन नाभ, हे पद्मनाभ, ते पदार विंद अगाध बोधय जोगेश्वर हृदि विचिंत। जो अगाध बोध संपन्न, जो ब्रह्म भाव संपन्न, ये लोग आप मन गए भगवान प्रश्न पूछ सकते कि गोपी आप लोग इतना चिंतित क्यों है, हाँ, आप सबसे, मैं हमेशा आप लोग के पास हो, किसी से मैं आप लोग से वियोग नहीं हो, कुछ ज्ञान उपदेश किया। जब कृष्ण से, जब कुरुक्षेत्र में गोपीजनों से मिले, जब भगवान के रूप को देखकर बहुत आह्लाद हुए,
जब जो जदुवंशी वृष्णवंशी सब बड़े बड़े राजा युधिष्ठिर हमारे जितने राजा सब जब आए प्रभु से मिलने के लिए तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान एक एक के साथ सब मिले, मिलने के पश्चात अंत में जाकर गोपियों से अलग से मिले, गोप्यश्च गोपियों से अलग से मिले। तो गोपियों से मिलने के कारण कि गोपियाँ बहुत दुखी है, तो उस समय कुछ वार्तालाप होगा, कुछ वार्तालाप किए भगवान गोपियों से कि आप लोग इतने चिंतित क्यों है, आप हमारे चिंतन कर सकते, मैं तो सर्वत्र हो व्याप्त हो, हाँ मुझे मेरा सब समय मैं हाँ सब समय मैं आप लोग के पास ही हूँ, आप इतना रोते क्यों हो। तो उसमें प्रधान सखी राधिका एक श्लोक में कहते आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम, आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम जोगेश्वर हृदय विचिंतम अगाध बोधय, अगाध बोधय जोगेश्वर हृदय विचिंत ते पदारविंदम। आपके चरण कमल जोगी लोग ध्यान कर सकते हैं, और कौन लोग कर सकते हैं, संसार कूपो कूपो संसार कूपो पतितोत्तरान अवलंबम, जो संसार कूप से उद्धार होना चाहते हैं। हम लोग संसार कूप में नहीं हैं, संसार कूप में जो उद्धार होना चाहते हैं वो लोग आपके चरण का अवलंबन कर सकते हैं। संसार कूपो पतितोत्तरानवलंबम गेहम जुषमपि मनसि उदियात सदानः, हे प्रभु वो लोग आपका अवलंबन करें। कौन लोग, जो लोग संसार कूप में पड़े हुए हैं, जो संसार कूप से उद्धार होना चाहते वो लोग आपका अवलंबन करें, आपके चरणों का अवलंबन करें। किंतु हे प्रभु न गेहम जुषमपि, हम लोग तो घर गृहस्थ में रहते हुए भी आपका आपका मन में सदा उदित होते रहे, आपका चरण कमल घर गृहस्थी की सेवा करने पर भी आपका चरण कमल हमारे हृदय में उदित होती रहे, ये प्रार्थना कर रहे। तो इसका भाव लिख रहे श्रील कविराज गोस्वामी, अन्यर हृदय मन आमार मन वृंदावन मने बने एक करी जाने, अन्यर मन और हृदय अलग अलग हो सकते किंतु हमार मन अलग नहीं है, हमार मन और वृंदावन एक है। जहाँ वृंदावन जहाँ प्रभु श्याम सुंदर खेल खेले बहुत संग प्रदान किए, ओ वृंदावन हमारा मौन और ओ वृंदावन एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अन्य मौन और वृंदावन मौन और हृदय अलग अलग हो सकते हैं, राधिका जी कह रही है कि हमारा मौन और वृंदावन अलग नहीं है। मने बने एक कर जाने तेहो तुम्हार पदोदय कराह यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा माने, हे प्रभु यदि आपका चरण कमल प्रदान करे तो मैं अपने कृतार्थ मानूंगी। हे प्राणनाथ प्राणनाथ सुनमर सत्य निवेदन ब्रज अमर सदन तहा तुम्हार संगम ना पाइले ना रहे जीवन। बहुत सुंदर भाव देखे, हे प्राणनाथ हे श्याम सुंदर सुनमर सत्य निवेदन, मेरा एक निवेदन सुनिए, ये बात सत्य है कि ब्रज अमर सदन ब्रज मेरा घर है, तहा तुम्हार संगम तहा तुम्हार संग से जो आनंद प्राप्त हुआ ना पाइले ना रहे जीवन, वो यदि अगर ना प्राप्त हो तो मुझे हम गोपियों का प्राण रहेगा नहीं। तो एक बार क्या हुआ था, जब गोपियाँ गई थी तो गोपियाँ जब भगवान मिले तो मिलने के पश्चात गोपीजन राधा जी मतलब सही थी, हाँ तो उस समय प्रभु श्याम सुंदर पास में गए और ललिता सखी कही कि हे प्रभु जागाइए मत राधा जी को, क्योंकि सोई है जगाना मत, क्यों जगाना नहीं न कि प्रभु जब आप ब्रज छोड़ के चले गए तब से ये सोई नहीं कभी, दिन में माँ जसोदा को समझाती थी और रात में स्वयं रोती थी, कभी इसका आँखों में नींद नहीं देखा हम लोग ने, तो इसलिए सुने दीजिए। तो राधा जी उस समय जाग गए और जाकर फिर मिलन हुआ, फिर से बात हुई। तो कहने का उद्देश्य सारा जीवन भर हाँ राधा जी रोती रही प्रभु के विरह में, वो शब्द सुना रहे पूर्वे उद्धवदारे एवे साक्षात अमारे जोग ज्ञानेर कहिले उपाय, उद्धव के द्वारा जोग ज्ञान का बहुत उपदेश करवाया, तुम्हें विदग्ध कृपामय जानो अमर हृदय मोरे ओछे कोही तेना जुआए, तुम्हें ज्ञानी हो तुम्हारी इस प्रकार कटु वचन कहना उचित नहीं है। क्या कटु वचन,
न कि मैं सर्वत्र हो, व्याप्त हो, हमेशा मैं आपके पास रहता हो, हाँ मैं शुद्ध, मतलब इसको अगर कहना, गोपीजन कहते कि आपको बोलना उचित नहीं है, क्योंकि मैं हम आपके चरणों के सेविका हूँ। मोरे ओछे कोई तेना जो आए, मुझ पर इस प्रकार कहना उचित नहीं है। समझ में आ रही बात? तुम्हें विदग्ध कृपामय जानो अमर हृदय, मोरे ओछे कोई तेना जो आए, इस प्रकार कहना उचित नहीं है। श्याम सुंदर, आप इस पर कि मैं सर्वत्र हूँ किस लिए रोती हो, इस पर कहना उचित नहीं है। हाँ, चित्त काड़ी तोमा होते विषय चाहे लगाते जत्न करी नारी काड़ी वारे। चित्त को हम लोग चाहते जे तुमसे अलग करके विषय में भोगों में लगाए, लगाना चाहते किंतु लगा नहीं पा रहे। विषय में घर गृहस्थी, घर काम, घर के काम धंधा में लगाना चाहते आपके से चित्त को हटा कर, किंतु लगा नहीं पा रहे। चित्त काड़ी तोमा होते विषय चाहे लगाते जत्न करी नारी काड़ी वारे, जत्न करने पर भी आपसे अलग नहीं हो पा रहे। तारे ध्यान शिक्षा करो लोक हंसा इया मारो, स्थानास्थान ना करो विचार। और आप कह रहे कि आप ध्यान करो, ध्यान से मुझे दशम कर लोगे। हाँ, तारे ध्यान शिक्षा करो लोक हंसा इया मारो, ये लोक हास्य कर, ये एक हास्यास्पद है। हाँ, इस प्रकार कहना उचित नहीं। वहाँ बोला ना, आहुश्चते नलिनाव पदार विंदम जोगे सरे हृदय विचिंतम, जोगे सरे हृदय विचिंतम माने ध्यान, हृदय से ध्यान करो, किंतु हम लोग ये हास्यस्कर है, हम लोग के द्वारा संभव नहीं है। तारे ध्यान शिक्षा करो लोक हंसा या मारो, स्थानास्थान ना करो विचार। आपको स्थान विचार करना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। हैं, गोपीजन कह रहे कि आपको हमारे सामने इस प्रकार बोलना नहीं चाहिए, आप दूसरी जगह बोल सकते, योगियों के ऋषियों के हृदय में बोल सकते, किंतु हम लोग से ऐसे बोलना मत। नहे गोपी जोगेश्वर तुम्हार पदकमल ध्यान करी पाइबे संतोष। गोपीगण जोगेश्वर नहीं है जे आपको ध्यान करके वो संतोष प्राप्त कर लेंगे, नहीं, कभी संभव नहीं। तुम्हार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटीनाटी सुनी गोपीर बाड़े आरो रोष। आपका वचन सुनकर श्याम सुंदर गोपीजन कह रहे कि आपका वचन सुनकर हम लोग को विष और रोष बढ़ रहे और क्रोध बढ़ रहे। हाँ, देह स्मृति नहीं जार, जिन लोगों का देह स्मृति नहीं है, देह स्मृति नहीं जार, संसार को कहा तार ताहा होते नाचा ही उद्धार। जिन लोगों का देह स्मृति नहीं है, जिनका घर द्वार नहीं है, सब बंधन छेदन करके आए हैं, संसार को कहा तार ताहा होते नाचा ही उद्धार। संसार से उद्धार के लिए लोग नहीं आए यहाँ, जो संसार आपके चरण कमल ध्यान करके लोग संसार से उद्धार हो जाएंगे, इसलिए ये लोग नहीं आए हैं। विरह समुद्र जले काम तिमिंग गिले गिले, हम लोग विरह समुद्र में डूब गया, विरह समुद्र में डूब चुके हैं, और यहाँ क्या काम तिमिंगल, बड़े बड़े वेदना हम लोग सता रहे, हृदय में जो माने वेदना है वो झुलस रहा है, मतलब प्रभु के बिना रहना भारी कठिन हो रहा है। विरह समुद्र जले काम तिमिंग गिले गिले गोपीगण गोपीगण लह तार पार। हे प्रभु, आप आपका दर्शन देकर आप हमारे साथ चलिए वृंदावन, कहने का भाव ये है, आप चलिए वृंदावन, आपके बिना हम लोग का जीवन रखना भारी कठिन है। वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन सही कुंजे रासा देख लीला, ये स्मरण करा रहे कि वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन सही कुंजे रासा देख लीला, जो जो लीला हुई सही ब्रजे ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़ो चित्र केमन पास रिला। ठीक है, हम गोपिया हैं, हम लोग छोड़ दिया तो कोई चिंता नहीं, अपने पापा माने पापा मामी को, हाँ पिता माता को कैसे छोड़ दिया। हाँ, भले हम लोग गोपी हैं, दूसरे के छोड़ दिया कोई चिंता नहीं, किंतु पिता माता को कैसे छोड़ दिया, केमन पास रिला। हाँ, विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण तुम्हें तुम्हार नहीं दोषा भास। गोपिया कह रहे कि आप में सब सद्गुण है, हाँ आप में कोई दोष नहीं है, हाँ आप सद्गुण है, सुशील है, स्निग्ध है, करुण है, तुम्हार नहीं दोषा भास, आप में कोई दोष नहीं है। गोपिया कह रहे कि आप में कोई दोष नहीं है, तो दोष किसका, तबे जो तुम्हार मन नहीं स्मरे ब्रजजन, जे आपका मन जो ब्रज का स्मरण नहीं कर रहे, इसका क्या कारण, से हमार दुर्दैव दुर्दैव विलास, ये हम लोग का दुर्भाग्य है, हम लोग का भाग खराब है। हाँ गोपीजन, आपने कोश रहे कि हमारे भाग खराब है, आपका कोई दोष नहीं है। हाँ, आप ब्रज में ब्रज का स्मरण नहीं कर रहे, ब्रज में पिता माता के पास नहीं आ रहे, ये आपका कोई दोष नहीं, दोष किसका, हमारे दोष है, अपने कोश रहे।
নাগনী আপন দুঃখ দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ, ব্রজজনের হৃদয় বিদারে দেখি কত সুন্দর। নাগনী আপন দুঃখ, আপনার দুঃখ গণনা নেই করতে হ্যাঁ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ, ব্রজেশ্বরী যশোদা কা মুখ, দেখি ব্রজেশ্বরী মুখ ব্রজজনের হৃদয় বিদারে। ব্রজবাসী সব মর চুকে হ্যাঁ, সব আপকে বিনা আপকে বিরহ মে সব জল চুকে হ্যাঁ, আপ দর্শন দেকর সবকু উদ্ধার করিয়ে। কিবা মার ব্রজবাসী, ব্রজবাসী কিউ মারতে হো, কিবা জিও ব্রজবাসী, ব্রজ মে আক সবকো জীবন দান করো, কেনে জিও দুঃখ সহিবারে, হ্যাঁ কেনে জিও দুঃখ সহিবারে, কিস কিসলি মতলব কিসলি দুঃখ দেতে হো সবকো, হ্যাঁ কেনে জিও দুঃখ সহিবারে। তোমার যে অন্য বেশ অন্য সঙ্গ অন্য দেশ, ব্রজজনের কহু নাই ভাই, আপকা যে ইহাঁ যে কুরুক্ষেত্র কা বেশ হ্যাঁ, এই ব্রজবাসী কা আচ্ছা নেই লাগ রা হ্যাঁ। তোমার যে অন্য বেশ, অন্য বেশ মতলব কুরুক্ষেত্র মতলব রাজকীয় বেশ, দ্বারকা সে আয়া না তো কৃষ্ণ কা রাজকীয় বেশ হ্যাঁ। অন্য সঙ্গ অন্য দেশ, আপকা সব এই সব মিলিটারি ফৌজ হ্যাঁ, সব মতলব যে সেনা হ্যাঁ সিপাহী হ্যাঁ, এই সব আচ্ছা নেই লাগ রা, ব্রজ বহুত সুন্দর হ্যাঁ, ব্রজ কি মহিমা শুনা রে, ব্রজজনে কহু ব্রজবাসীকে আচ্ছা নেই লাগতা হ্যাঁ। ব্রজভূমি ছাড়িতে না রে তোমা না দেখিলে মরে, ব্রজজনের কি হবে উপায়, ব্রজভূমি ছাড়িতে না রে তোমা না দেখিলে মরে, দেখি ব্রজবাসী ব্রজকে ছোড়না নেই চাতে, আর আপকে বিনা জীবই নেই পারে হ্যাঁ। ব্রজজনের কি হবে উপায়, ব্রজবাসী কেসে জীবন ধারণ করেন, কেসে জিয়েঙ্গে, তুমি তো ব্রজের জীবন, তুমি ব্রজের প্রাণধন, তুমি ব্রজের সকল সম্পদ, তুমি ব্রজকে হো, তুমি ব্রজকে মতলব ব্রজের জীবন হো। কৃপাদ্র তোমার মন আসি জীব ব্রজজন, ব্রজে উদয় করা হো নিজ পদ, হে প্রভু আপ কৃপা সে আদৃত হোকর কৃপা করকে ব্রজ মে আকর সবক জীবন দান করে। শুনি কা রাধিকা বাণী, এ রাধারণী কা বচন হ্যাঁ, আহুশ্চ তে নলিনাভ পদার বিন্দম, এ রাধারণী গোপীজন গোপী সব মিলকর উসমে মুখ্য রাধিকা এই শব্দ শ্লোক গায়ে, তো উসকে বাদ ভগবান শুনারে, শুনিয়া রাধিকা বাণী, শুনিয়া রাধিকা বাণী মতলব ভগবান রাধিকা কে বাণী শুনকর কি ব্রজ কি অবস্থা শুনকর। ব্রজ প্রেম মনে আনে ভাবে ব্যাকুলিত হইল মন, ব্রজ প্রেম মে প্রভু কা মন ব্যাকুলিত হয়ে গে, কি ব্রজ এস প্রকার মানে দশা মে পড় গিয়া, এসি দুঃখ দুঃখ বিরহ মে ডুব গিয়া আমের কারণ। ব্রজ লোকের প্রেম শুনে আপনাকে ঋণী মানে করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন, ব্রজ লোকের প্রেম শুনে ব্রজ ব্রজবাসী কা প্রেম শুনকর যে প্রভু শ্যাম সুন্দর কে প্রতি কতনি প্রেম, এসক শুনকর আপনি কো ঋণী মহসুস করে, মে কতনা ঋণী হু ব্রজবাসী কে প্রতি, করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন, কৃষ্ণ তারে উসকো ও সব ব্রজবাসী কো গোপীয় কো আশ্বাসন দে রা হ্যাঁ। প্রাণ প্রিয়ে শুন মোর এসত্য বচন, হে রাধিকে আমার বচন শুনো, কে বচন, তোমার সভার স্মরণে ঝুরো মুই রাত্রি দিনে মোর দুঃখ না জানে কোন যোগ, মে বি আপলোক বিয়োগ সে মে বহুত দুঃখী হো, বহুত বিয়োগ মে হো, মে কিসকো শুনাও, সত্যভামা রুক্মিণী মেরি দশা কো নেই জানতি হ্যাঁ হ্যাঁ, মোর দুঃখ না জানে কোনো জন, মেরে দুঃখ কৃষিনে নেই জানা ইতক। ব্রজবাসী যতজন মাতা পিতা সখাগণ সবে হয় মোর প্রাণ সম, সবই মোর প্রাণ প্রাণকে সমান হ্যাঁ, ব্রজবাসী যো বি হ্যাঁ সব মেরা প্রাণকে সমান হ্যাঁ। তার মধ্যে গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন, গোপীগণ মেরা সাক্ষাৎ মোর জীবন, তার মধ্যে তুমি তুমি মোর জীবনের জীবন, রাধিকা কহরাই কি তুমি মোর জীবনের জীবন, গোপীকে কহরাই কি সাক্ষাৎ জীবন, আর তুমি মোর জীবনের জীবন। তোমার সভার প্রেম রসে আমাকে করিলা বসে আমি তোমার অধীন কেবল, হ্যাঁ তোমার যে প্রেম আপলোকে যে প্রেম আমার প্রতি এ আমকো বস মে কর লিয়া, হ্যাঁ ভগবান প্রেম দেখতে হ্যাঁ, প্রেম সে বিনা ভগবান কুছ নেই স্বীকার করতে। তোমার সভা ছাড়াইয়া আমার দূর দেশ লইয়া রাখি আছে দুর্দৈব প্রবল, দেখি ভগবান আপনি দুর্দৈব মানে এই আমার ভাগ খারাপ হ্যাঁ কি আপলোক সে দূর হটা কর মুঝে লে গে দূর দেশ মে হ্যাঁ। তোমার সভা ছাড়াইয়া আমার দূর দেশ লইয়া রাখি আছে দুর্দৈব প্রবল, যে মে দূর দেশ মে চলা গিয়ে ব্রজ ছোড়কে বাহার চলা গিয়া এ আমার দুর্দৈব দুর্ভাগ হ্যাঁ। প্রিয়া সঙ্গ সঙ্গ হিনা প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা নাহি রহে নাহি যে এসত্য প্রমাণ, আগর প্রেমিকা কা শরীর ছুট যায় তো প্রিয়া কা প্রিয়তম কা শরীর ছুট যায়গা, আগর প্রিয়তম কা শরীর চলা যায় তো প্রিয়া কা প্রিয়া প্রিয়া মানে প্রিয়সী কা শরীর চলা যায়, এসলে দোনো দোনো কো
शरीर रखने के लिए, जीवन रखने के लिए जिए है, शुद्ध केवल प्राण धारण करके रखा है। मतलब इतना विरह है, श्याम सुंदर जिए है किस लिए? गोपीजन के लिए। गोपीजन जिए है किस लिए? श्याम सुंदर के लिए। मोर दशा सुने जबे तार यही दशा हवे, यही भय दोहे रखे प्राण। देखिए, दोहे रखे प्राण कि मेरे अगर शेष हो जाए तो गोपीजन खत्म हो जाएगा, इसके कारण प्राण रखे। सही सोती प्रेमवती प्रेमवान सही पति वियोगे जे बांछे प्रिय हिते। हाँ, सही सोती प्रेमवती प्रेमवान सही पति वियोगे जे बांछे प्रिय हिते। नागने आपन दुख बांछे प्रियजन सुख, सही दुई मिले उची राते। राखीते तुम्हार जीवन से भी आमी नारायण, तार शक्ति आसी नीति नीति। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि अमी नारायण की उपासना करता हूँ, किस लिए? कि हमेशा आप लोग के पास मैं आता हूँ, हमेशा। हाँ, राखी थे तुम्हार जीवन से भी अमी नारायण, तार शक्ति आसी नीति नीति। तुमासने कीड़ा करी नित्य जाए जदुपुरी, ताहा तुम्हें मानो आमा स्फूर्ति। तो आप लोग के साथ हम खेलते भी है, आप लोग देख नहीं पाते, आप लोग इसको स्फूर्ति मानते हैं। हाँ, मैं साक्षात जाता हूँ, हाँ रोज जाता हूँ, रोज ब्रज में भ्रमण करता हूँ, किंतु आप लोग कब आप इसको स्फूर्ति मानते। हाँ, मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है से प्रेम परम प्रबल। मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है से प्रेम परम प्रबल। लुकाइया आमा आने संगा कराए तुमासने, प्रकटे हो जानिबे सत्तर। मैं शीघ्र ही ब्रज आ जाऊँगा, शीघ्र ही, बहुत जल्दी शीघ्र ही ब्रज में आ जा। प्रकटे हो आनिबे सत्तर। जादवे प्रतिपक्ष दुष्ट जत कंस पक्ष, ताहा आमी कोईलो सब छय। मैं ब्रज से बाहर जाकर किसको मारा? कंस को मारा, बहुत असुरों को हत्या किया, बहुत असुरों को मारा, और दो चार बाकी रह गया, दो चार रह गया। अगर मैं आ जाए ब्रज में, असुर को छोड़कर मैं ब्रज में आ जाए, तो वो लोग कुछ ब्रज के हानि पहुंचा सकते ब्रज। अरे 9 बज गया। आछी दुई चारी जन ताहा मारी वृंदावन, आईलम जानी हो निश्चय। सेई शत्रुगण होते ब्रजजने राखीते, जदि राज्य उदासीन होया। जेवा स्त्री पुत्रधन करी बाह्य आवरण, जदुगणेर संतोष लागिया। देखिए, ब्रज के संतोष के लिए मैं बाहर रह रहा है कि ब्रज के पति कि हमारे पति सब वैर भाव है, सब लोग हमारे पर अत्याचार करेंगे, किंतु हमारे लिए ब्रजवासी क्यों कष्ट दे? तुम्हारे जे प्रेम गुणे करे आमा आकर्षण, आनिबे आमा दिन दस विषे। पुनः आसी वृंदावने ब्रजबधु तमासने, बिलसिब रात्रि दिवसे। एत तरे कही कृष्ण ब्रजे जाइते सतृष्ण, एक श्लोक पढ़ी सुनाइल। से श्लोक सुनी राधा खंडिल सकल बाधा, कृष्ण प्राप्ति प्रतीत होइल। मई भक्ति ही भूतान अमृतत्ताय कल्पते, दिष्टा जदासी मसन भवतीनाम मदापन। इसका कहने का भाव ये है, जब हमारे पति आप लोग का प्रेम प्रबल हो जाएगा तो निश्चित हमको ही प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए इसका श्री चैतन्य महाप्रभु साध ले रहे, आसाधन कर रहे। गोपी के साथ कृष्ण क्या वार्तालाप हुई थी कुरुक्षेत्र में, हाँ, जो राधिका का जो विरह दशा, हाँ, इसका भगवान श्याम सुंदर है गौर सुंदर इसका आनंद मतलब साध ले रहे, और इसका भाव किसी को समाज में नहीं आ रहे, एकमात्र स्वरूप दामोदर इस भाव को समझ रहे। हाँ, तो इसलिए इस श्रीमद् चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला त्रयोदश अध्याय आप लोग फिर से पढ़ना तो फिर समझ में आ जाएगा। इसका प्रवचन हम लोग डिटेल से सुनेंगे 5 दिन, वृंदावन चंद्र प्रभु 22 से लेकर 27 तक इसका पूरा चर्चा करेंगे, गोपियों के साथ कृष्ण की चर्चा कैसे, मतलब कृष्ण से वार्तालाप हुई, कृष्ण बहुत समझाए किंतु उसको टुकरा करके गोपियाँ फिर अपना प्रवचन किए, बहुत सुंदर है। समय के अभाव से इसका पूरा तो अध्ययन नहीं हो पाया, थोड़ा जस साध लेने के लिए इसको मैंने कि पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, हमारे चरण को भगवान की सेवा में तीर्थ में वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाना। वृंदावन छोड़ने से क्या होगा? वृंदावन रहने से एक परिक्रमा हो जाएगा, एक कोई जहाँ पे चलेंगे प्रभु का स्मरण होगा, इसलिए वृंदावन में रहकर भजन करें, खूब नाम जप करें, हाँ नाम से ही सब प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।